आज के मैं वीडियो में जो एक इम्पॉर्टेंट मसले की तरफ बताने लगा हूँ वो है जो यूरिन के साथ जो पेशाब के साथ ब्लड आता है, इसके बारे में अगर जो भी वजूहात हैं इस मेरी वीडियो को आप तफसील से देखिए, इसके अंदर काफ़ी वजूहात मैंने बयान कर दी हैं। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अथर महमूद है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर काम कर रहा हूँ। आज मैं जो इम्पॉर्टेंट मसले के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा यूरोलॉजी रिलेटेड, यूरोलॉजी भी बीमारियों में रिलेटेड है, इसको कहते हैं हीमाचूरिया को ब्लड का यूरिन के अंदर आना। यूरिन के अंदर ब्लड आने के दो किस्म के प्रेजेंटेशन हैं, एक होता है मैक्रोस्कोपिक एक माइक्रोस्कोपिक। एक जो पेशेंट आके कंप्लेंट करता है कि मेरे पेशाब के अंदर खून आता है, वो पेशेंट को ज़ाहिर नज़र आ रहा होता है कि मेरे पेशाब के अंदर खून आता है, इसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया, यानी कि पेशेंट कंप्लेंट यही करता है कि मुझे ब्लड नज़र आता है। और दूसरी जो प्रेजेंटेशन है उसमें पेशेंट आप पेशाब के टेस्ट की रिपोर्ट लेके आपके पास आ जाएगा कि मुझे जी ब्लड के अंदर यूरिन के सेल्स आते हैं, तो पेशेंट से हम पूछते हैं कि ब्लड जो यूरिन के अंदर आता है कि नहीं आता, वो पेशेंट कहेगा नहीं यूरिन के अंदर इस बाहर मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन जो मेरी रिपोर्टें हैं उसके अंदर यही आ रहा होता है कि ब्लड के सेल्स निकल रहे हैं बीच में से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वजूहात हैं जो ब्लड के अंदर यूरिन आना, ये यूरोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन कंप्लेंट्स में से गिनी जाती है। तो इसमें जब भी पेशेंट आके कंप्लेंट करे ब्लड के यूरिन के साथ ब्लड आता है, तो पेशेंट को हमने कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है कि पेशाब के साथ जो ब्लड आता है पेशाब के शुरू में आता है, पेशाब के दरमियान में आता है, या पेशाब के आखिर में आता है, या पेशाब से अलग आता है। यह पेशेंट को डिटेल में हमने पूछना होता है कि पेशाब के अंदर खून किस तरह का आता है, सुरख रंग का आता है या थोड़ा सा डार्क कलर का आता है, या पेशाब के अंदर थोड़ा सा डाइल्यूटेड फॉर्म में जो खून पानी के अंदर मिक्स होकर आ रहा होता है। तो जब भी वे पेशेंट कंप्लेंट करे तो हमारे जहन में सारी वजूहात सामने आ जानी चाहिए, जिसमें किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, जो आम जमान में हम गुर्दे कहते हैं, गुर्दे की नाली जिसको यूरेटर कहा जाता है, और मसाना, और मसाने के आगे नाली जिसको यूरेथ्रा कहा जाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की वजूहात हैं जो कि ब्लड इन यूरिन का बायस बनती हैं। जो इंपॉर्टेंट वजूहात मैं आपको एक एक करके बताना चाहूँगा। दो सबसे कॉमन कंप्लेंट है जो कि ब्लड यूरिन के अंदर आता है, उसमें स्टोन डिजीज़ आ जाती है। यूरोलॉजी के अंदर स्टोन डिजीज़ बड़ी कॉमन है, जो अडल्ट में जो अडल्ट मर्दों में और औरतों में ये कॉमन देखा गया है। जब खून जो पथरी के मरीज पेचीदा हो जाते हैं, जब पथरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो उसके साथ इन्फेक्शन हो जाती है, और इन्फेक्शन के साथ यूरिन के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ये एक स्टोन डिजीज़ एक इंपॉर्टेंट वजूहात हैं जिसके अंदर ये यूरिन के साथ ब्लड आता है। और इसके साथ जो मसले हो सकते हैं जो ब्लड के अंदर, ये तो एडल्ट एज में है, उसमें यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकती है मर्दों में भी औरतों में भी, जिसमें माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में यूरिन के साथ ब्लड आता है, माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया उसको कहा जाता है, या फिर इन्फेक्टेड स्टोन्स के साथ ग्रॉस हीमाचूरिया पेशेंट के ब्लड या इनिशियली आता है या मिक्स होकर यूरिन के साथ आता है। और इसके साथ जो हमें रूल आउट करना बड़ा ज़रूरी होता है इस अडल्ट्स में भी, मर्दों में भी, औरतों में भी, कि जब स्टोन डिजीज़ को रूल आउट कर लेते हैं, तो उसके अंदर हमें ये रूल आउट करना बड़ा ज़रूरी है कि खुदा ना खास्ता को गुर्दे के अंदर कोई रसोली या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो ब्लड के अंदर यूरिन का बायस बनती है। इसी तरह ये तो अडल्ट्स के अंदर यूरिन की प्रेजेंटेशन है, यूरिन के साथ ब्लड आने की। कुछ नेफ्रोलॉजिकल कॉजेज भी होती हैं जिसमें जो अगर इन्फेक्शन नहीं है, रसोली नहीं है, या कोई और पथरी का मसला नहीं है, तो फिर हमें नेफ्रोलॉजिकल कॉजेज़ को रूल आउट करना बड़ा ज़रूरी होता है, जिसमें यूरिन के अंदर डिसमॉर्फिक आरबीसीज़ आ रहे होते हैं, जो माइक्रोस्कोप के अंदर आरबीसीज़ जो खून के जो सेल्स होते हैं उनकी शेप डिस्टॉर्टेड सी होती है, वो वजूहात ऐसी होती हैं जो कि नेफ्रोलॉजी के अंदर जो गुर्दे की ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कि बाहर बाहर नज़र नहीं आती, अंदर ही अंदर गुर्दा डैमेज हो रहा होता है, वो शो करती हैं, इसलिए उनको रूल आउट करना बड़ा ज़रूरी होता है। इस तरह अब अडल्ट से हम ओल्ड एज में जाते हैं। ओल्ड एज में 50 प्लस के मर्दों में और 50 प्लस की औरतों में ब्लड की जब यूरिन के अंदर ब्लड की कंप्लेंट आए कि यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है, तो उसमें ये रूल आउट करना बड़ा ज़रूरी होता है कि कोई ऐसा मसला तो नहीं है जो गुर्दे के अंदर, कोई मसाने के अंदर कोई ऐसी रसोली तो नहीं है जो कि ब्लड के अंदर जो यूरिन का ब्लड के अंदर आने का बायस बनती है। इसी तरह प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट का जो रसोली होती है, वो भी कभी कभी ब्लड के साथ यूरिन के साथ प्रेजेंट कर जाती है। ये अब मैंने सारी वजूहात जो कॉमन वजूहात हैं आपको, जिसमें इन्फेक्शन है, रसोली है, पथरी है, प्रोस्टेट गुदूद है, प्रोस्टेट गुदूद की रसोली है, या मसाने, गुर्दे और यूरेटर की रसोली के बारे में आपको बताया है। अब इनको तशखीस कैसे करेंगे? जब भी पेशेंट ब्लड के अंदर यूरिन की कंप्लेंट करे, यूरिन के साथ ब्लड की कंप्लेंट करे, तो हम सबसे पहले जो वर्कअप करवाएंगे उसमें एक पेशेंट का, जब पेशेंट प्रेजेंट करता है, हम उसकी हिस्ट्री कंप्लीट लेंगे, उसका एग्जामिनेशन करेंगे, उसका लिटाक एग्जामिनेशन किया जाएगा, पेट को अच्छी तरह चेक किया जाता है, उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन तजवीज़ की जाती है। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले पेशाब के टेस्ट,
फिर गुर्दे के फंक्शन के टेस्ट RFTs जिसको कहते हैं, यूरिया और क्रिएटिनिन, इसी तरह खून का टेस्ट CBC, जाके ब्लड जो यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है उसकी वजह से खून की कमी तो नहीं होगी, और फिर हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड में सारा गुर्दा, यूरेटर, मसाना कंप्लीट उसका देखा जाता है। ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशन जो रेडियोलॉजिस्ट डिपेंडेंट होती है, जो करने वाला अल्ट्रासाउंड करने वाला स्पेशलिस्ट होता है, वो उसको तशखीस करता है इसमें कि यूरेटर गुर्दे के अंदर, यूरेटर के अंदर या मसाने के अंदर कोई पथरी, कुरसोली या कोई ऐसा मसला तो नहीं है, जो गुर्दा फूला तो नहीं, वो हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से, या मसाने के अंदर कुरसोली तो नहीं है। तो इसमें ये कंप्लीट अल्ट्रासाउंड कराना इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में आता है। जो ही पेशेंट ब्लड एंड यूरिन की कंप्लेंट करता है, उसको हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद पेशाब का टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, खून का टेस्ट, यूरिया और क्रिएटिनिन, RFTs तजवीज़ किए जाते हैं। इनकी रोशनी में बेसिक जो सीधा सीधा बीमारियाँ हैं उसके बारे में अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो वजूहत हैं सामने आ रही हैं। अगर फिर भी कुछ इसकी पेचीदगियाँ सामने हो तो फिर हम CT स्कैन एडवाइज़ करते हैं। यूरोलॉजिस्ट, वो खुद यूरोलॉजिस्ट एडवाइज़ करता है। जब इनिशियल टेस्ट सारे हो जाएँ, फिर CT वो देखा जाता है कि इधर CT कंट्रास्ट के साथ कराने की ज़रूरत है या प्लेन CT स्कैन करवाने की ज़रूरत है। तो उसके अलावा फर्दर टेस्ट फिर अकॉर्डिंग टू द डिज़ीज़ होते हैं, जिसमें अगर प्रोस्टेट गदूद है तो उसका PSA भी आ जाता है, इसी तरह अगर अल्ट्रासाउंड मसाने के अंदर कुरसोली है तो मसाने का CT स्कैन भी आ जाता है, इस तरह गुर्दे के अंदर कुरसोली है तो गुर्दे का भी CT स्कैन या MRI वगैरह हो सकता है। इन सारे टेस्टों की रोशनी में फिर हम तशखीस करके किस नतीजे पर पहुंच जाते हैं, एक बीमारी किस नौयत की है, किस स्टेज की है, उसकी कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस और उसकी स्टेज के हिसाब से फिर उसका इलाज तजवीज़ किया जाता है। इसमें मेडिकल इलाज भी है, सर्जिकल भी है। फिर उसके बाद वो बीमारी की नौयत के बारे में जब डायग्नोज हो जाता है और उसकी स्टेजिंग हो जाती है, फिर हम उसको इलाज तजवीज़ करते हैं। ये सारी मैंने जो ब्रीफली इस छोटी सी वीडियो में आपको सारा बयान कर दिया है। इसके बारे में अगर फर्दर भी आप मालूम लेना चाहें तो आप मरहम की ऐप या मरहम की वीडियो चैनल के ज़रिए, यूट्यूब चैनल के ज़रिए मुझ तक रब्ता करके मुझसे इस बारे में मज़ीद मालूम हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया जी। अस्सलामु अलैकुम।